बिहार में भूमि सर्वे का काम जारी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लैंड सर्वे करा रहे हैं, जिसके तहत जिसको जिसके हक की जमीन है उसको मिल जाए। ऐसे में कई तरह के मामले इसमें निकल कर सामने आ रहे हैं, तो कई अधिकारी जो है वो घूस लेते भी पकड़े गए हैं। तो ऐसे में इस हाल में आखिर भूमि सर्वे कैसे होगा? लेकिन हो रहे भूमि सर्वे के बीच खगड़िया से एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पर दूसरे चरण के विशेष भूमि सर्वेक्षण के दौरान टोपो भूमि का सर्वेक्षण फिलहाल रोक दिया गया है। जिला बंदोबस्त पदाधिकारी अरुण कुमार झा ने बताया है कि राज्य स्तर से जारी आदेश के बाद ही टोपो भूमि का सर्वेक्षण दोबारा शुरू हो जाएगा। यह फैसला 29 अगस्त को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय बैठक के बाद लिया गया है। बैठक में टोपो भूमि का सर्वेक्षण तत्काल रोकने के निर्देश दिए गए थे। इस आदेश के बाद खगड़िया और परबत्ता में स्थित लगभग 81,000 एकड़ टोपो भूमि के सर्वेक्षण पर रोक लगा दी गई है। टोपो भूमि वह जमीन होती है जिसका सर्वेक्षण 1902 में नहीं हो पाया था। उस समय खगड़िया मुंगेर जिला का हिस्सा था। जिले में ऐसी जमीन रहीमपुर और परबत्ता अंचल के 10 राजस्व ग्रामों में स्थित है। पिछले कई दशकों से लोग उस जमीन पर खेती कर रहे हैं और उसे अपनी मानते आ रहे हैं। इस संबंध में सभी पंचायतों के मुखिया, कानूनगो शिविर प्रभारी, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर सूचित कर दिया गया है। जिला बंदोबस्त पदाधिकारी ने बताया है कि सदर अंचल के रहीमपुर, परबत्ता अंचल के माधव गंगा बरार, टीमापुर लगार, पटपर जोराबुरपुर और पटपर के यहाँ भी ऐसी तमाम जानकारी जो है वो यहाँ से निकलकर सामने आई है। जी हाँ, दरियापुर और माधवपुर इंग्लिश और तमाम तरह के जो गांव हैं वहां पर नहीं रोक दिया गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि भूमि सर्वेक्षण कर्मी व पदाधिकारियों को दी गई है। हालांकि दूसरे चरण का विशेष भूमि सर्वेक्षण जिले के 3 अन्य अंचल खगड़िया, मानसी और परबत्ता और में जारी रहेगा। भू स्वामियों से अपील की गई है कि वो जल्द से जल्द अपना स्वघोषणा पत्र जमा करें। इसमें उन्हें अपनी जमीन का विवरण और संबंधित दस्तावेज देने होंगे। अभी तक अंचल में 3100, सदर अंचल में 1300 और परबत्ता अंचल में 927 भू स्वामियों ने स्वघोषणा पत्र जमा किए हैं। शिविर कार्यालय में जाकर या ऑनलाइन माध्यम से भी स्वघोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। तो ऐसे में खगड़िया से बड़ी खबर निकल कर सामने आई है, जहां पर 81,000 गांव में जो है फिलहाल भूमि सर्वेक्षण का काम रोक दिया गया है, क्योंकि ये सभी टोपों में आते हैं। ऐसे में भूमि सर्वेक्षण का काम लगातार जारी है। बिहार सरकार ने नया फैसला निकाला है, जिससे ये पता चला है कि जितने भी लोग हैं वो भूमि सर्वेक्षण का काम कर सकते हैं। इसमें तमाम लोग जो है वो या तो अंचल में जाकर शिविर लगाकर अपना काम कर सकते हैं, या फिर नहीं तो वो आप ऑनलाइन माध्यम से भी कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन के लिंक आपको नहीं पता है तो गूगल पर जाकर www.bhumijankari.bihar.government.in पर जाकर आप सारी डिटेल्स पता कर सकते हैं और जमा भी कर सकते हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24।